जैसा कि वर्तमान योगी सरकार द्वारा यश भारती प्राप्त करने वाले लोगों को पेंशन जो दी जा रही है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो कहना ये, यश भारती जिनको मिल चुकी है उनको पेंशन अगर सरकार ने एक बार शुरू किया तो उसको नहीं खत्म किया जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे पुरस्कारधारी ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जिनके घर की हालत बहुत ख़राब है, जिनको दो जून की रोटी भी नहीं है। आपने एक बार पुरस्कार दे दिया, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, अब चलिए बढ़ते बढ़ते ज़्यादा का हो गया, वो उसके ख़त्म हो गए, ज़िंदगी कैसे कटेगी उसकी? ये भी तो सरकार का दायित्व तो बनता है। उस आप राजा हैं, प्रजा का ध्यान रखना आपका धर्म बनता है, तो कलाकार का घर कैसे चलेगा? उसके मद्देनज़र अगर सरकार ने कोई पेंशन शुरू की है, मासिक पेंशन, तो उसको क्यों खत्म किया जाना चाहिए? ये अलग बात है, हर चीज़ के विरोधी भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हर चीज़ का विरोध होता है, तो मैं उसका वो नहीं जो विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका एक अपना नज़रिया होगा, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है कि पेंशन को खत्म किया नहीं जाना चाहिए। वो जो आदमी व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़े पेंशन को, जिसके पास सारे संसाधन हैं, वो बात अलग है। आप अनाउंस करा दीजिए कि जो लोग स्वेच्छा से पेंशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे निकल आएंगे, 50% लोग ऐसे निकल आएंगे जो पेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन हाँ, एक नियम ऐसा बना देंगे जिससे सबकी पेंशन खत्म हो जाए, वो उचित नहीं है। इससे क्या है, वो गरीब भी मारे जाएंगे जिनको ज़रूरत है पैसे की, उनको जिनके बच्चों को रोटियाँ नसीब नहीं है, फिर कला किसी ज़माने में बहुत अच्छे कलाकार रहे, कवि रहे, जिन्होंने कुश्ती करी, आज कुश्ती में हाथ पैर नहीं चल रहे उनके, अब उनका परिवार कैसे चलेगा? कुश्ती जीती तब उनके पास पैसा आ गया, आज शरीर में दवाई नहीं दे रहा तो पैसा तो परिवार कैसे चलेगा उनका, उनकी बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा? तो अब एक नियम आप ऐसा बना देंगे कि उनको सबको पेंशन खत्म की जाएगी, तो उनका अहित होगा। तो उस तरीके से मेरा मानना है कि सरकार को ये अनाउंस करना चाहिए कि जो व्यक्ति पेंशन छोड़ना चाहे अपनी पेंशन छोड़ जाए, बाकी जिनको मिल रही है उनको मिल जाए।